ये मैं इसलिए आज मैंने इस पर वीडियो बनाया क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो सिविल की तैयारी करना चाहते हैं वो एक झूठे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, झूठे आत्मविश्वास से। अब वो झूठा आत्मविश्वास कैसे आता है? हो सकता है कि उनको लगता होगा कि 4-5-10 वीडियो मैंने देख लिए, यही सब तो होता है, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, बिपिन चंद्रा पढ़ लेंगे, इससे हो जाएगा, एक ऐसा इंफॉर्मेशन। लेकिन ये जो झूठा इंफॉर्मेशन है या झूठा जो कॉन्फिडेंस है, ये कहीं ना कहीं आपका सबसे कीमती चीज को बर्बाद कर रहा है। और सबसे कीमती चीज है आपका समय। पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा करने के बाद भी आप एक सेकंड नहीं खरीद सकते अपने लिए एक्स्ट्रा, एक सेकंड नहीं। लोग कहते हैं कि पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं, धन को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं अगर बचाने की कोई चीज है तो वो है समय। समय बचाइए अपना, समय का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि धन तो आ जाएगा, धन का क्या है, आ जाएगा, समय नहीं आ पाएगा। और जो ये ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं अपना समय बर्बाद करते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होना चाहिए कि हाँ आप पे विश्वास रहे, लेकिन कॉन्फिडेंस की जो बात होती है ना, वो जरूरी कि हमेशा चार्ज अप रहे और यस यू कैन विन, आई कैन विन करते रहे, वो नहीं। कुछ ऐसे भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जो झिझक रहे होते हैं, नर्वस भी होते हैं, और ये नर्वसनेस को गलत नहीं होता, ये झिझक भी को गलत नहीं होती है। ये झिझक बताती है कि आप प्रैक्टिकल इंसान है, आप प्रैक्टिकल इंसान है, आप सीरियस इंसान है। अगर आप डर रहे हो अपना रिजल्ट देखने में, अगर आपको एग्जाम के समय नर्वसनेस आ रही है, इसका मतलब है आपने मेहनत की है। और आपको पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सफल हो जाने में। आपने अपनी तरफ से मेहनत कर ली है जो आपके हाथ में था, लेकिन बहुत सी चीजें आपके हाथ में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे फैक्टर जो हैं वो अगर ज्यादा एक्टिवेट हो गए तो आपका जो फैक्टर है वो कमजोर हो जाएगा, यानी आपकी जो मेहनत है वो जीरो हो जाएगी, इसीलिए आप डरते हो। लेकिन जो कॉन्फिडेंट आदमी होता है वो कहता है कि बस मैंने समझ लिया, मुझे पता है सब कुछ, मुझे पता है क्या है, 4-5 वीडियो वाला वीडियो देख लो, फला कोचिंग का देख लो, फला देख लो, हो जाएगा। ये फला जो होता है ना वो कुछ नहीं मिलता उससे। डाउनलोड कर लो, PDF डाउनलोड कर लो, बुक लिस्ट के वीडियो देख लो आप, PDF डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पर चले जाओ, वो भाई तैयारी ऐसे नहीं होती है। इन सब चीज़ों से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्रोसेस बनाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। मैं कई बार कहता हूं कि सिविल की तैयारी करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला है मेंस की तैयारी करना, नोट्स बनाना, पहले की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया आपने, उसका सेकंड स्टेप है कि उस जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो उसको नोट्स में कन्वर्ट करना। उस नोट्स को कन्वर्ट करने के बाद उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि आप एक ही चीज को, मान लो आपको एक चैप्टर को पढ़ने में 1 घंटा लगता है, तो हर बार आप 1 घंटा उसको नहीं दे पाओगे, नहीं दे सकते उसको आप, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आप क्या करोगे, अब यहां पर आपको यह करना कि जो आपने 1 घंटे की मेहनत की है किस तरह से वो जब रिवीजन आए तो 5 मिनट में वो रिवाइज हो जाए। इसलिए मैं बार बार माइक्रो नोट्स की बात करता हूं, प्रोसेस की बात करता हूं मैं। सफलता चमत्कार नहीं है, सफलता इस प्रोसेस, समझिए। फोटोकॉपी करके, PDF डाउनलोड करके, YouTube पे वीडियो देखकर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, बट उस इंफॉर्मेशन को विजडम में कैसे कन्वर्ट करना है, यह है गेम असली। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करोगे, और जब शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करोगे आप, तो रिवीजन आसान हो जाएगा। और जब रिवीजन करोगे उसके बाद, जैसे आपने अगले 6-8 महीने में आपने मेंस तैयार कर लिया, उसके नोट्स तैयार कर लिए, रख लिए उसको, फिर प्री का समय आया जनवरी के बाद से, जनवरी से लेकर जून तक का आपने प्री की तैयारी की, फिर जून के बाद जब आपका प्री देकर आते हो, कॉपी चेक करते हो, 90 क्वेश्चन से ज्यादा का होते हैं, तो आप क्या करते हो, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, 3 महीने में लिखने की प्रैक्टिस करते हो। तो जो इंफॉर्मेशन आज आपने कलेक्ट करके रखी हुई है, जो नोट्स बनाकर रखे हैं, वो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद जाके इस्तेमाल करते हो। ये है प्रोसेस। इसीलिए सिविल सर्विसेज के लिए स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। नहीं तो क्या होगा कि आपको लगेगा आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट नहीं आएगा।